हाय, तो आज बात करते हैं वेब की। क्या होता है वेब, क्या होती है वेबसाइट, क्या होता है वेब पेज, ठीक है, कैसे काम करता है वेब, वेब का अंडरलाइन कंसेप्ट है इंटरनेट। इंटरनेट सिर्फ इसीलिए कि हम कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। हम मतलब वेब में इंटरनेट की जरूरत सिर्फ इसीलिए है ताकि कम्युनिकेशन हो पाए। अगर इंटरनेट नहीं है, सिर्फ हमारे पास नेटवर्क ही अवेलेबल है, तब भी वेब मीनिंगफुल है, ठीक है। तो वेब बेसिकली मेनली काम करता है HTTP प्रोटोकॉल पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है HTTP, ठीक है, यही है वेब का बेस HTTP। देखते हैं HTTP क्या है। HTTP प्रोटोकॉल है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, क्लाइंट और सर्वर। सर्वर का जैसे नाम है, वो सर्व करता है। क्या सर्व करेगा? सर्वर सर्व करता है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? HTML प्लस JavaScript प्लस CSS, इन सबको मिला के बनता है वेब पेज। JavaScript CSS ऑप्शनल है, बिना JavaScript और CSS के भी अगर सिंपल HTML ही है तब भी हम उसको वेब पेज बोलेंगे। वेब पेज का मतलब इतना ही है कि वो वेब पे दिखता है एक पेज की तरह, इसलिए उसे वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। सर्वर का काम क्या है? जब भी क्लाइंट करे रिक्वेस्ट, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर करता है रिस्पॉन्स। क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट में कुछ डेटा भेजेगा और सर्वर रिस्पॉन्स में कुछ डेटा भेजेगा, ठीक है। मान लो कि यह है मेरा क्लाइंट और ये है मेरा सर्वर, ठीक है। मैं टाइप करता हूं http://google.com, ये है URL। URL मतलब इस सर्वर का एड्रेस। अभी सर्वर एक्चुअल में क्या है? सर्वर एक्चुअल में एक कंप्यूटर है, ये है एक PC, लेकिन उसको PC नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये एक सर्वर यूज के लिए है। तो ये सर्वर है एक कंप्यूटर। इस सर्वर पे एक चीज चलती है जिसे बोलते हैं, ठीक है, सर्वर एक मशीन है जिसपे एक सॉफ्टवेयर चलता है, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर कौन से होते हैं? अपाचे, एंजिनेक्स, और कौन से होते हैं, IIS, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्वर्स अवेलेबल हैं। कुछ लाइटवेट हैं, कुछ फुल फ्लेश्ड सर्वर हैं, ठीक है। इसमें अपाचे, एंजिनेक्स और
IIS ये पॉपुलर सर्वर्स हैं। ठीक है, तो एक मशीन है, उस मशीन पे वेब सर्वर चलता है, फॉर एग्जांपल वो अपाचे चल रहा है। ठीक है, अब क्लाइंट करता है रिक्वेस्ट, किसको करता है, सर्वर को, किस किसका यूज करके, URL का यूज करके। URL में क्या है, डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन इज इक्वल टू PO बॉक्स। पोस्ट ऑफिस वाले हमें देते हैं ना PO बॉक्स, अगर हम PO बॉक्स का नंबर देते हैं ना तो पोस्ट सीधा हमारे घर तक पहुंच जाएगी, मतलब पोस्ट हमारे घर के बॉक्स तक पहुंच जाएगी, हमें पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सिर्फ हमारे बॉक्स तक या हमारे घर तक कुछ भेजना चाहता है तो उसको सिर्फ पोस्ट बॉक्स के नंबर लिखने की जरूरत है, पूरा एड्रेस नहीं लिखेगा तब भी हमारे पास वो पार्सल पहुंच जाएगा, ये होता है पोस्ट बॉक्स। ठीक है, इसी तरह से डोमेन क्या होता है, ये जो सर्वर है, यहाँ पे सर्वर की मशीन है, उसके पास एक आईपी है, यूनिक आईपी अराउंड द वर्ल्ड का मतलब है जितने भी पीसी या जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उन सब में इसका आईपी होगा यूनिक। मान लो इसका आईपी है 11.1.1.1। ठीक है, मैं URL बार में 1.1.1.1 भी लिख सकता हूँ गूगल को रिप्लेस करके, तब भी वो मेरी रिक्वेस्ट इसी सर्वर पे जाएगी। डोमेन सिर्फ एक मैपिंग है या फिर एक पॉइंट है, ये पॉइंट आउट करता है आईपी को। अगर मैं डोमेन लिखता हूँ फाइनली मेरी रिक्वेस्ट जाएगी आईपी पे, वो आइडेंटिफाई करता है आईपी के लिए, इसे बोलते हैं DNS सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन में कॉम लगती है, मतलब मेन कॉम जो होता है वो डोमेन है, ये होस्ट नेम है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। क्लाइंट कौन है, ठीक है, क्लाइंट होता है ब्राउज़र। एक्चुअल में यहाँ पे एक ह्यूमन ही होता है जो ब्राउज़र को ऑपरेट करेगा। ठीक है, ह्यूमन ब्राउज़र पे बैठा है, क्रोम ब्राउज़र है मान लो। ठीक है, ह्यूमन क्रोम ब्राउज़र खोल के बैठा है, ह्यूमन ने लिखा google.com, ब्राउज़र ने क्या किया, ब्राउज़र ने एक रिक्वेस्ट सेंड की। पहले तो ब्राउज़र ढूंढेगा google.com पे कौन सी आईपी है, जिसको जो भी आईपी मिली ना ब्राउज़र उसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा जिसे बोलेंगे HTTP रिक्वेस्ट। ब्राउज़र सर्वर को एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा। HTTP रिक्वेस्ट में क्या होता है, हेडर प्लस डेटा प्लस इसी टाइप और सभी चीजों को एक ही मतलब भी टाइप भी होता है, जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, ये सब रिक्वेस्ट के टाइप है। ठीक है, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, ये सब बताए टाइप में। क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा हेडर डेटा और टाइप के साथ, टाइप होता है हमारा गेट पोस्ट, ये सब होता है टाइप। ठीक है, मतलब इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गेट पोस्ट, ये सब टाइप से रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे। सर्वर एक रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, मतलब रिसीव कौन करेगा, अपाचे। जैसे ही अपाचे को रिक्वेस्ट मिलती है, अपाचे जो कि वेब सर्वर है इस अपनी कॉन्फ़िगरेशन को देखेगा। ठीक है, उस कॉन्फ़िगरेशन में देखेगा कौन सी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की गई है। ठीक है, मान लो हम रिक्वेस्ट करते हैं index.html, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट होगा index.html, इंडेक्स पेज। हमने रिक्वेस्ट किया index.html,
अपाचे देखा कि ये HTML पेज है, इसको कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, इसको सीधा सीधा फाइल में ढूंढो। अगर मिल रहा है इस index.html फाइल तो ये फाइल रिस्पॉन्स में दे दो। अगर ये index.html ना हो के index.php फाइल अवेलेबल है, नॉर्मली अपाचे के साथ PHP जाता है, PHP एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, PHP की जगह ASP फाइल हो सकती है, JavaScript हो सकता है, कौन सी आती है, जावा की कोई फाइल हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। PHP इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी इज अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। अगर अपाचे जावा के साथ कॉन्फ़िगर है तो वो जावा के क्लास को देखेगा यहाँ पे, अगर अपाचे इसके साथ कॉन्फ़िगर है अपने JavaScript के साथ तो वो JavaScript देखेगा, वैसे JavaScript के साथ होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। तो अपाचे किस चीज के साथ कॉन्फ़िगर है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा अब इस फाइल को प्रोसेस करना है नहीं करना। अगर वो PHP देखेगा ना तो वो ये फाइल देगा PHP इंजन को, फिर उस फाइल में जो भी टेक्स्ट लिखा, रिक्वेस्ट में जो भी चीजें आई, वो सब मिला के PHP इंजन को देगा। PHP इंजन इस पर प्रोसेस करके फाइनली एक डेटा बनाएगा जो मोस्ट ऑफ केसेस में HTML ही होता है। वो डेटा भी हो सकता है, कोई जेसन डेटा भी हो सकता है, इन केस ऑफ API वो जेसन डेटा हो सकता है, वरना वो नॉर्मली होता है HTML। तो एक PHP इंजन ने प्रोड्यूस किया डेटा, अब ये डेटा PHP इंजन फॉरवर्ड कर देगा फिर से वेब सर्वर को। अब वेब सर्वर का काम है रिस्पॉन्स भेजना, ठीक है। वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आ गई, अब वेब सर्वर भेजेगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या करेगा वो, रिस्पॉन्स इसके रिस्पॉन्स को बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स। इसमें भी जाता है हेडर प्लस डेटा, इसमें टाइप नहीं होता एक्चुअली, इसमें हेडर प्लस डेटा होते हैं और कुकी होता है इसमें। अगर कुकी भी देखा जाए तो वो हेडर का ही पार्ट है, ठीक है। मतलब जो रिक्वेस्ट का टाइप रिक्वेस्ट में आता है, टाइप रिस्पॉन्स में नहीं जाता, रिस्पॉन्स में हेडर जाता है, डेटा जाता है, डेटा को बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। HTTP के कॉन्टेक्स्ट में बॉडी भी बोलते हैं डेटा को। तो अब PHP इंजन ने क्या रिटर्न किया, HTML HTTP रिस्पॉन्स में आया ब्राउजर के पास बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर ब्राउजर के पास रिस्पॉन्स आ गया है, अब ब्राउजर का काम क्या है, HTML को रेंडर करने का। रेंडर करने का मतलब है जो उसके पास HTML आया है उसको अब वो डिस्प्ले करेगा इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स। इस तरह से एक रिक्वेस्ट फुलफिल होती है, ये पूरा एक फ्लो है सिंपल HTTP रिक्वेस्ट का, ठीक है। अब इसमें सेशन, कुकी और ऑथेंटिकेशन बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। HTTPS भी एक चीज होती है, ठीक है, इसे नॉर्मली बोलते हैं सिक्योर HTTP। HTTP में क्या प्रॉब्लम है कि HTTPS की जरूरत पड़ी, ठीक है, ये सब हम देखेंगे आगे के वीडियो में। यहाँ पे फिलहाल इतना ही देख लो कि ये है HTTP का मॉडल। एक रिक्वेस्ट आई सर्वर के पास, सर्वर ने उस पर प्रोसेस किया अगर जरूरत है तो, वरना डायरेक्टली फाइल भेज दी। रिस्पॉन्स सीधा गया क्लाइंट के पास, अब क्लाइंट उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। क्लाइंट ने डिस्प्ले किया, इसके साथ ह्यूमन उसको देख पाएगा। अब यहाँ पे मतलब ह्यूमन, यहाँ मान लो यहाँ पे कोई है एंकर टैग, इसे बोलते हैं लिंक। ह्यूमन ने अगर लिंक पे क्लिक किया तो फिर से यही फ्लो होगा, ब्राउजर फिर से एक रिक्वेस्ट भेजेगा, लेकिन इस बार क्या करेगा पता है, इस बार जो रिस्पॉन्स में यहाँ पे जो डेटा आए थे ना, ब्राउजर ने उसको याद रखा है, तो सर्वर को जब दूसरी बार डेटा मिलेंगे तो सर्वर को पता होगा
तो यार ये तो अभी आया था पहले, इस हिसाब से वो सर्वर ब्राउजर को याद रखता है, मोस्ट ऑफ केसेस में सर्वर ब्राउजर को याद रखता है, ताकि जब वो दूसरी बार आए तो वो जान पाए कि ये ब्राउजर वही है जो 2 मिनट पहले आया था, या ये मुझसे ये लेके गया है एक्चुअली, या ये नहीं लेके गया है, इस तरह से। ठीक है, इसे बोलते हैं सेशन। सेशन कैसे मैनेज होता है ये भी अपने आप में एक कहानी है। सेशन मेनली मैनेज होता है कुकी के थ्रू। अब तो सेशन के सिवा हम बहुत चीज़ें मतलब और सीख गए हैं। अब अगर हमारे पास सेशन नहीं है तब भी ब्राउज़र को याद रखने के तरीके हैं। कुकी सबसे बेसिक तरीका है, सबसे ट्रेडिशनल, सबसे बेसिक तरीका है, जिसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे तरीके हैं जिसमें आता है लोकल स्टोरेज, लेकिन वो मैन्युअली तरीके हैं। कुकी सबसे बेसिक है। ठीक है, तो बस फिलहाल इतनी ही बात करते हैं, बाकी की बातें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।